लक्ष्मी है किसकी? किसकी लक्ष्मी है? नारायण की। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। हम अपना समझ लेते हैं, हम लक्ष्मी लक्ष्मी जाप करते हैं, नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन क्या है पता है? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। तो जब लक्ष्मी के लिए हाय हाय करके मरोगे तो उल्लू से आएंगी और उल्लू बना करके चली भी जाएंगी। और नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ जब चलते हैं उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेदक ध्वनि निकलती है। बताया था ना जो संत महापुरुष गुरु बोले वही वेद। बताइए इनके पंखों से वेदक ध्वनि हो रही है। जो भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है उसके अंदर दिव्य भगवान का अंश, भगवान की शक्ति खुद ही प्रकट हो जाती है। तो गरुण जी बताओ वेदज्ञ हैं, तब तो बोलना छोड़िए, बोलते तो कितना सुंदर बोलेंगे, इनके पंखों से वेदक ध्वनि हो रही है। तो जब नारायण से प्रेम करोगे, नारायण श्री कृष्ण का ध्यान करोगे, जप करोगे, पूजा अर्चना करोगे, समर्पण भाव लाओगे, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव, किसी भाव से भगवान से प्रेम करिए, शांत भाव में जिस भाव के प्रेमी हो प्रेम करिए, तो नारायण भगवान गरुण से आएंगे वेद ध्वनि करते हुए। सात्विक विद्या घर में बढ़ेगी, सात्विक सुख बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, फिर घटेंगे नहीं। और लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा, उनकी पत्नी नारायण आएंगे, वो आए चाहे ना आए, उनकी मर्जी। तो कहाँ रुक पाएंगी नारायण के बिना? तो नारायण के साथ लक्ष्मी स्वयं आएंगी और दिव्य सात्विक बुद्धि का प्रभाव होगा घर में। तो नारायण की उपासना, लक्ष्मी की उपासना करिए, लेकिन नारायण के साथ पहले नारायण की उपासना करिए। हैं? अब तो पहले नगद फिर नारायण। तो नारायण की पूजा करिए तो लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी सात्विक भाव से। सुदामा जी कितने गरीब थे, देखो कितना द्वारिकाधीश जैसा बना दिया उनको भी अपने समान। तो भक्ति करिए, प्रेम करिए। एक से एक गरीब थे, भगवान से प्रेम करते गए। भक्ति करने से क्या है, पैसा ना भी आए लेकिन बुद्धि सात्विक रहती है, बच्चे नालायक ना हो। अब खूब धन रखे हैं, बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बाड़ में जाए ऐसा धन संपत्ति किस काम का बताओ? बाप ने कमाया मर मर के, बेटे फूक रहे हैं, कोई मतलब निकला? इससे अच्छा धर्म कर्म पुण्य दान पुण्य करते, अच्छे भाव से बढ़िया भजन करते। अब बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने, और यहाँ तो दुख है कि 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, 10 पीढ़ी का तो है, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। एक राजा बड़ा दुखी, राजा बड़ा दुखी बीमार, उसने मंत्री से पूछा कितना धन है। मंत्री ने कहा महाराज इतना धन है कि 10 पीढ़ी आराम से बैठ के खाएगी, बस बीमार हो गया। सोचने लगा भगवान 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, सबसे परेशान बीमार। अब डॉक्टर वैद्य परेशान, मैंने बतलाया था ना मानसिक जो बीमारी है इसका इलाज सत्संग भजन से ही है, डॉक्टर नहीं इलाज कर सकते। अब वो बीमार, अब जब कोई बीमारी हो तो डॉक्टर दवा दे। अब बेचारे पड़े हैं मरणासन्न चिंता के कारण, चिंता सबसे बड़ी बीमारी है, चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाए व्यापी माया, को जग जाए। सर्पिणी की तरह है, किसको नहीं खा गई। अब राजा परेशान, 10वीं पीढ़ी का तो है, 11वीं पीढ़ी का क्या होता है, तेरी की अपनी नहीं देख रहा है, 11वीं पीढ़ी का देख रहा है, जिंदा रहेगा जैसे। मंत्री परेशान दुखी, एक संत महाराज आए, बोले सब नगर में डिडोरा पीट दिया गया, कोई राजा को मुक्त इलाज कर दो, आधी राज्य दे दिया जाएगा। अब इलाज कौन करे, वैद्य सब फेल। एक संत महाराज आए, बोले हम इसका इलाज कर देंगे, समझ गए इसको चिंता है किसी बात की। बोले राजन तू मेरे साथ चल, एक वृद्धा है उसको भोजन दे दे, तेरा इलाज हो जाएगा।
राजा गया खूब गाड़ियों से भर के भोजन पकवान बनवा के ले गया, कुछ सुखी हुआ, चलो इलाज हो गया मेरी, ग्यारहवीं पीढ़ी का इंतजाम है बाबा कर देंगे। असंतों का इलाज तो विलक्षण होता है, उनके गूढ़ भरी रहस्य भरी बातें। ले गए वृद्धा के पास, ले गए हाथ जोड़ के गया, प्रणाम किया। वृद्धा ध्यान जप में मस्त थी, उसकी एक छोटी सी बालिका निकली, कोई सेविका। राजा ने कहा कि ले भोजन तुम्हारे लिए सोने की थाल में सजा के लाया। उसने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए मुझे। बोले क्यों? कहे आज का भोजन किसी ने दान दे दिया, आज का मेरे पास भोजन है, मैं नहीं लूंगी। आज का भोजन मेरे पास है, मैं नहीं लूंगी। राजा बड़ा शर्मिंदित। संत ने कहा, देखा राजा, इसके पास कल की चिंता नहीं है, कल आज तो मस्त रहो कम से कम, इसको कल की चिंता नहीं है, आज है तो मस्त है। राजा ने कहा, कल कौन देगा, कल के लिए रख लो। उस बच्ची ने उत्तर दिया कि जो आज दिया है वही कल देगा, जो आज दिया है वही कल देगा। संत ने कहा, राजा समझा, इसको कल की चिंता नहीं है, और मूर्ख बावरे तू ग्यारहवीं पीढ़ी के लिए मर रहा है। अरे ग्यारहवीं पीढ़ी तो तू मर जाएगा, तब पीढ़ी तेरी आएगी भी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, और तू मर अभी रहा है। तब उसको ज्ञान हुआ, तब उसकी बीमारी तुरंत मिट गई। हम लोग धन इकट्ठा करना बुरी बात नहीं, लेकिन सदुपयोग करिए, दान करिए, उपयोग करिए, नहीं तो उसका नाश होना ही है, शास्त्र कहता है। धन की तीन गति ही है, दानम भोगो नाशस त्रिगतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीय गतिर् भवति। न दान देता है जो, न उपयोग करता है, उसकी नाश अपने आप हो जाएगी। हाँ, या तो थाना अदालत में चला जाएगा, या तो डॉक्टर साहब ले जाएंगे, या वकील साहब ले जाएंगे, बेमतलब के चला जाएगा। अब या तो बच्चे फूंक देंगे जुआ दारू में। तो धन है तो उसको बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे भोजन कराइए, खूब बढ़िया उनको शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, तो ये तुम्हारा धन है। क्योंकि पुत्र अगर लायक हो जाएगा ना तो सेवा करेगा, प्रेम करेगा, और नालायक हो गया तो चाहे जितना धन संपत्ति हो आपको नींद नहीं आएगी रात भर। क्या संपत्ति को खाओगे क्या? एक ऐसा समय आता है पैसा बहुत होता है, सुख वैभव भी होता है, लेकिन सोचते हैं कोई प्रेम करे, कोई प्रेम से बोले। बहु नहीं बोलती उधर मुख, बच्चा उधर मुख, नाती उधर, सास बेचारे वृद्ध माँ बाप बैठे, कोई पूछने वाला नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए अपने को सुधार लीजिए, सावधान हो जाइए, और धन को सतपंथ पे लगाइए, सतमार्ग में लगाइए, अपने बालकों को संस्कारी बनाइए, न कि इकट्ठा कर करके मर जाइए गाली सुन सुन के। तो नारायण से प्रेम करिए।